नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कानपुर के रूपम चौराहे के पास स्थित चार मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अपार्टमेंट में रहने वाले कई परिवार के लोग वहां फंस गए। बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आनन फानन में लोगों के रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया है। टीम ने अब कई लोगों को बिल्डिंग्स में सीढ़ियां लगाकर बाहर निकाल लिया है। वहीं टीम के अनुसार अभी आग किस घर में लगी है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पुलिस अधिकारी के मुताबिक रूपम चौराहे के पास एक चार मंजिला इमारत में आग लगी थी। बता दें कि आग लगने के कारण अपार्टमेंट्स में लोग फंसे हुए थे। फिलहाल बिल्डिंग में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं उन्होंने बताया है कि हमारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने एक घर में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया है। वहीं आग पर भी लगभग काबू पा लिया गया है। इस ऑपरेशन में 15 से 20 मिनट और लगेंगे। अब सिर्फ आग का धुआं है। वहीं हमारी अपील है कि लोग घटनास्थल से थोड़ा पीछे चले जाएं, जिससे बेहतर तरीके से ऑपरेशन किया जा सके। उन्होंने आगे कहा था कि आग से किसी भी व्यक्ति के हताहत होने का इनपुट नहीं मिला है और अब आग के फैलने की संभावना नहीं है। आग के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम जांच करेगी, तभी साफ हो पाएगा कि आग कैसे लगी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर चार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और आसपास के थानों के फोर्स को बुला लिया गया था।